गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये चैप्टर आगे. और कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग जो अमाउंट होता है लोगों के लिए फूड का, वो अलग अलग होता है. जो लोग बहुत फिज़िकल वर्क करते हैं, मतलब हाथ पैरों से काम करते हैं, उनको अलग टाइप का ज़्यादा खाना खाना पड़ता है. और जो लोग दिमाग से काम करते हैं, सारे दिन एक जगह पर बैठ के और कंप्यूटर चलाते रहते हैं सारे दिन, उनको अलग टाइप का खाना खाना पड़ता है. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट कोई बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है. तो अब भाई हमको भूख लगी, ठीक है, हमने खा ली मैगी, तो हम बीमार हो जाने वाले हैं अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे 4-5 दिन तक. तो क्या ऐसा होता है कि आपको जब भी भूख लगी मैगी खा ली, जब भी भूख लगी मैगी खा ली, जब भी भूख लगी मैगी खा ली, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता. आपको आपकी बॉडी में अब अलग अलग तरीके की चीज़ें खाने का मन करता है. क्यों? ऐसा नहीं है कि आप बदमाश हो इसीलिए. आप मम्मी कहती ना सारे दिन तेरे को कभी ये खाना है कभी वो खाना है, तेरे को सीधे से रोटी सब्जी नहीं खाते, तो मम्मा को बता देना, मम्मा इसमें मेरी गलती नहीं है, बॉडी की नीड होती है, ये नेचुरल नीड होती है. अब समझो इस बात को, कैसे आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो मम्मी को बोलना ये सब बात कि मम्मी मैं कोई चटोरू नहीं हूँ कि सारे दिन इधर 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 खाने के लिए सोचता रहता हूँ कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ. प्रॉब्लम ये है कि मेरी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए. अब प्रोटीन तो किससे मिलेगा? दाल से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, और अपनी चीज़ से मिलेगा. ये सब चीज़ें, चीज़ से तो फैट मिलता है. ठीक है, तो फिर आपका मन करता है मम्मा आसो दाल चावल बनाना, सब्जी नहीं खानी है, कहते हो ना कई बार. ठीक, या फिर कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो हॉर्लिक्स वाला दूध ही पीना है. फिर कभी कहोगे क्योंकि उसमें भी दूध है. कभी बोलते हैं मम्मी आज तो मुझे लस्सी पिला दो, तो वो भी दूध से बनता है, उसमें प्रोटीन होते हैं. ठीक है, चलिए अच्छा जी. अब उसके बाद आप कभी सोचते हो कि आज तो रोटी सब्जी खाऊंगा, या तो फिर बर्गर भी खा सकते हैं, उसमें भी सब्जियां पड़ी होती हैं. तो क्योंकि सब्जियों में होता है विटामिन, बर्गर में नहीं बोल रही हूँ मैं, बर्गर में जो इतनी मोटी ब्रेड लगा देते हैं ना, और दुनिया भर की उसमें चीज़ डाल, वो क्या डालते हैं, मायोनीज वगैरह, वो नुकसान करती है. ये मत सोचना उसमें सब्जी तो इतनी सी होती है. लेकिन जो असल में जो घर में सब्जी बनाई जाती है, सैलेड बनाया जाता है, उसमें होते हैं विटामिन्स. तो कभी आपकी बॉडी बोलती है विटामिन खाओ विटामिन खाओ, तो आप बोलते हैं मम्मी सब्जी बना दो, मेरे को दाल चावल नहीं खाने, मुझे सब्जी रोटी खानी है. बॉडी ने बोला विटामिन. अब कभी आपको लगता है कि मम्मा आसो पूड़ियाँ बना दो, पकौड़े तल दो, क्योंकि आपकी बॉडी में से अंदर से आवाज़ आ रही है आई नीड फैट. क्योंकि जो तेल की चीज़ें होती हैं, घी की चीज़ें होती हैं, वो भी थोड़ी ज़रूरी होती हैं. कार्बो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर प्रोटीन्स की होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होती है, थोड़ी ज़रूरत फैट्स की भी होती है, विटामिन्स की भी होती है, मिनरल्स की भी होती है, पानी की भी होती है. तो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं आपकी बॉडी को. ये तो भगवान जी ने बनाया है, ये तो नेचुरल है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, इसीलिए आपको हर बार अलग अलग खाना खाने का मन करता है. कभी प्यास लगती है, तब आपको थोड़ी ना कोई मज़ा आ रहा है कि मैं 10 बार पानी पीऊँ. नहीं पीना. लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप ना पानी पी रह सकते हो? नहीं. एकदम से गला सूखने लगता है, तो क्या आपने सुखाया उसको गला या क्या किया? लेकिन नहीं, ये बॉडी है, नेचुरल है, नेचर है. तो वो बॉडी में इतनी ज़रूरत होने लग जाती है कि आपको जाकर पानी पीना ही पड़ता है. ठीक है, इसी तरीके से जब आपकी बॉडी के अंदर मीठे की चीनी सॉरी स्वीट की कमी हो जाती है, स्वीट से भी एनर्जी मिलती है, तो तब आपको ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खाता हूँ, है ना, तो आप जाके भागकर चॉकलेट खा लेते हो. पर चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है. अगर आपको कुछ मीठा ही खाना होता है, तो आप सिंपल कुछ भी मम्मा से बनवा के खाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, मम्मा को पता है कि गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है, चीनी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप गुड़ की कोई चीज़ खा सकते हो. चलो इतना वो तो मम्मी लोग देख लेंगे, उनकी टेंशन है ना. आप तो सिर्फ ऑर्डर चलाना जानते हो कि मम्मा आज तो मुझे पूड़ियाँ खानी है. पूड़ियाँ खानी आपको नहीं है, डांटना अब मम्मी यहाँ बंद करना पड़ेगा डांटना, क्योंकि मम्मी को बताना कि मम्मी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नखरे नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी कह रही है आई नीड फैट, है ना. क्योंकि पूड़ी जो होती है वो तेल में तली जाती है, और तेल और घी से हमें फैट मिलता है, और फैट भी हमारी बॉडी के लिए थोड़ा तो ज़रूरी होता है, ज़्यादा तो नहीं. फिर कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं आज तो मुझे ना बनाना शेक पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी कह रही है विटामिन्स लेके आओ. तो विटामिन दूध में भी होते हैं और विटामिन फ्रूट्स में भी होते हैं. और इसके अलावा सबसे ज़्यादा विटामिन्स कभी कभी आप बोलते हो नहीं मुझे तो भिंडी ही खानी है, लेडी फिंगर खानी है. कभी आप बोलते हो मुझे तो मेथी के पराठे खाने हैं. मेथी के पराठे में क्या? मेथी, उसके अंदर होंगे विटामिन्स. ठीक है,
पराठा जब बनाया जाएगा तो वो घी में या तेल में बनाया जाएगा, उसके अंदर होगा फैट, ठीक है। और आटे से आटा गूंथा जाएगा, उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपकी बॉडी ने कहा आई नीड कार्बोहाइड्रेट, आई नीड विटामिन, आई नीड फैट। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आपकी मम्मी को बतानी चाहिए कि मम्मा ये मेरी गलती नहीं है, मेरी बॉडी को भी फैट चाहिए तो पूड़ियाँ बना के ले आओ जल्दी से पकौड़े फटाफट, और अगर मेरी बॉडी को विटामिन चाहिए तो आज मेथी के पराठे बना दो, मक्के का जो वो सॉरी सरसों का साग, मेथी की रोटी, सॉरी क्या यार वो मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी मांगती रहती है, हम चटोरे नहीं होते हैं, ठीक। जब आप ये सारी चीज़ें खाते हो तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड मतलब होता है ऐसा नहीं कि आप बस चावल ही चावल खाए जा रहे हो। जो बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ आलू ही खाने हैं, आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे, फिंगर फ्राइज, वो बीमार हो जाते हैं। अगर कोई बच्चे ऐसे करेंगे कि नहीं मेरे को तो बस दूध ही पीना है, दूध की खीर बना दो, दूध की मिठाई बना दो, दूध पीना है कढ़ी बना दो, दही बना दो, ये कर, वो भी बच्चे बीमार हो जाएंगे। किसी एक फूड से चिपक के नहीं रहना है, है ना, हमें सब कुछ खाना होता है। वैसे तो आपकी बॉडी खुद ही करती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत गंदी आदत डाल लेते हैं कि भाई नहीं मेरे को तो बस यही खाना है, मेरे को सिर्फ भिंडी की सब्जी खानी। ऐसा नहीं, मम्मा जब बोलती कि पागल है क्या, सारी सब्जी खाना चाहिए, चल चुपचाप खा ले, और एक थप्पड़ पड़ जाता है, तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी मम्मा गुस्सा करती है तो आप भी मुंह फुला के बढ़ जाते हैं, मुझे डांटा, तो ऐसे डांटने की बात नहीं होती है, वो मम्मा आपको चिंता करती है क्योंकि उनको पता है कि आपकी बॉडी के लिए सिर्फ आलू नहीं, भिंडी, तोरई, गिलकी, दाल, चावल, रोटी सब कुछ ज़रूरी है, इसीलिए वो सारी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। जिस डाइट के अंदर, डाइट मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो दैट इज़ योर डाइट, तो जिस खाने के अंदर रोटी, सब्जी, दही है ना, और पापड़, सैलेड और फ्रूट्स, मिल्क, ये सब होता है, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोगों का थोड़ा सा मीट भी होता है, एग्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं, बैलेंस डाइट कहलाती हैं। पढ़ लेते हैं, एज वी नो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें पता है कि फूड हमें काम करने के लिए और खेलने कूदने के लिए बहुत सारी एनर्जी देता है। वी शुड मेक श्योर दैट अवर फूड इज़ हेल्दी एंड इन राइट अमाउंट, इसीलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये पता करें कि हमारा जो फूड है वो हमारे को ठीक से एनर्जी देने वाला है कि नहीं है, वो हेल्दी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने खाना तो खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन एनर्जी वेनर्जी मिली नहीं, जैसे कि जंक फूड से होता है। जंक फूड तो उल्टा हमारी बॉडी में फैट बढ़ाता जाता है, तो हम ऐसे हो जाते हैं, है ना। ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व, मतलब जो चीज़ें, वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, देखो लिखा है इसमें, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट होती है एक चीज़, अभी ये सब क्या होता है ये आप बड़े होके पढ़ोगे, अभी तो सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जब खाने के अंदर ये सारी चीज़ें हैं दैट्स मीन दैट फूड इज़ हेल्दी, अदरवाइज दैट फूड इज़ नॉट हेल्दी। अब आप बोलोगे कि मैडम तो बर्गर में भी तो फैट होता है, मायोनीज में भी तो फैट होता है, वो तो हेल्दी है। ऐसा नहीं, ये राइट अमाउंट में होना चाहिए। अब आप केवल फैट ही फैट खाते रहोगे तो आप भी फैट हो जाओगे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट रूखी रोटी कोई खाता है कि सब्जी के बगैर खाए जा रहे हैं रोटी, कभी चावल, कभी रोटी, कभी पूड़ी, ऐसा कभी खा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। या ऐसा कभी होता है कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन खाए जाओ, भाई दाल ही खाए जा रहे हैं और दूध पिए जा रहे हैं, दाल और दूध कभी कोई खाता है साथ में? नहीं, हमेशा वही खाना खाया जाता है जो थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी दे, थोड़ा प्रोटीन भी दे, थोड़ा फैट भी दे, थोड़ा विटामिन भी और मिनरल्स भी। तो ये सारे के सारे फूड थोड़े थोड़े अमाउंट में जब आप खाते हो एक साथ, तब वो बैलेंस डाइट होती है। कोई एक चीज़ बैलेंस नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि बस कार्बोहाइड्रेट वो हेल्दी है तो मैं तो बस कार्बोहाइड्रेट ही खाऊंगा। सब चीज़ें थोड़े थोड़े अमाउंट में खानी चाहिए तो वो हेल्दी होता है, अदरवाइज वो है अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जंक फूड थोड़ा सा खा लोगे तो वो अनहेल्दी नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो वो अनहेल्दी बन जाएगा। आप जो पिज़्ज़ा बर्गर तो छोड़ो, अगर आप सिर्फ दूध ही दूध, दिन भर में आप कितना दूध पीते हो, एक गिलास सुबह, एक गिलास शाम को, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन अगर आप मान लो 10 गिलास दूध पियोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे? तो वैसे तो दूध हेल्दी है, लेकिन अगर आपने ओवर पी लिया तो वो तो अनहेल्दी हो गया। तो हेल्दी और अनहेल्दी का मतलब यह है कि जब आप उसको सही अमाउंट में लोगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओगे तब वो हेल्दी फूड होगा, और बस एक ही खाते जाओगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। गेटिंग?
तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे आपके बॉडी को हेल्थ मिलती है, हेल्दी बनाती हैं जो बॉडी को, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट। देखो इसमें भी यही लिखा है कि इन राइट क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी सही होनी चाहिए तब वो बैलेंस डाइट होती है। ओवर ईटिंग, एक तो कुछ लोग होते हैं जब भी खाए जा रहे हैं पेट भरा है फिर भी उनका पैकेट रखा है चिप्स का, तो ऐसे करने से क्या होगा, ओवर ईटिंग करोगे तो आप ओवर वेट हो जाओगे, ईटिंग ओवर करोगे तो वेट भी ओवर हो जाएगा, फिर मोटे हो जाएंगे। ओवर वेट होते हैं मोटे लोगों को कहा जाता है ओवर वेट, ठीक है। इसी तरीके से प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं जैसे कि केक्स होती हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, कुकीज़ होती हैं, फ्राई फूड होता है जो फ्राई करके बनाया जाता है तेल और घी वगैरह में, ये भी अनहेल्दी होता है। थोड़ा सा खा लो काफ़ी है, ज़्यादा खाओगे अनहेल्दी हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको लिखना है फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं और हेल्दी और अनहेल्दी बताना है। ये आप खुद करोगे घर में बैठ के। आपको एक दिया हुआ है जैसे कि चपाती, और ये हेल्दी फूड है। अब मान लो आप पिज़्ज़ा लिखते हो तो आपको क्या लगता है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है? बोलोगे मैडम टेस्ट के हिसाब से तो हेल्दी ही लगता है, लेकिन क्या करें अनहेल्दी में लिखना पड़ेगा, है ना, लेकिन वो तो अनहेल्दी ही होता है। वैसे पिज़्ज़ा लगता तो अच्छा है। मिल्क, अगर हम मिल्क लिखते हैं तो वो हेल्दी आएगा। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ थ्री लिखने हैं, तीन कॉलम्स दिए हैं तो तीन लिख लेना, ठीक है। फिर भी बोल रहे हैं डाइवर्स फूड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाने खाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी राजस्थान में क्या होता है, दाल बाटी चूरमा। देखो पेज नंबर 55 पे दिया है, ये वाला जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखो पहले पंजाब का दिया है। पंजाबी लोग तो पता ही होगा उनको, तो उनकी तो फेवरेट होती है मक्का दी रोटी एंड सरसों दा साग, तो ये बहुत टेस्टी भी लगता है, अभी सर्दियों में खाते हैं मस्त एकदम, तो पंजाब का दिया है। ऐसे गुजरात के लोग ढोकला वाफला वगैरह खाते हैं, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, इसी से तमिलनाडु में इडली डोसा बहुत खाया जाता है। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खाते हैं। मुंबई में आप चले जाओगे तो वहाँ पर बड़ा पाव चलता है, बड़ा पाव, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर बंगाल वगैरह में मैंने बताया था फिश खाई जाती है, राइस खाए जाते हैं, मीट खाया जाता है, तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ पढ़ाऊँगी जिसको सुन के आप बोलोगे मैडम चुप 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 ऐसा कोई कैसे खा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनयूजुअल फूड, जो हम जनरली नहीं खाते। कोई भी काम हम जनरली करते हैं उसको हम कहते हैं यूजुअल, और जो हम जनरली नहीं करते हैं मतलब हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते उसको कहते हैं अनयूजुअल। तो ये अनयूजुअल फूड के बारे में बता रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे फूड। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ इसको। अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्या क्या खाते हैं लोग दुनिया में। एस्किमोज होते हैं जो आर्कटिक कंट्रीज़ में होते हैं, एक आर्कटिक कंट्रीज़ होती हैं, अब आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। नॉर्थ पोल पर होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग एस्किमो कहलाते हैं। और एस्किमो क्या खाते हैं, जो वेल मछली होती है ना उसकी स्किन में से कुछ बनाते हैं और उसको मुकटुक कहते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। जापान के लोग क्या खाते हैं, एक मछली होती है उसकी आँखें होती हैं ना आईबॉल, उससे कुछ बनाते हैं, वो खाते हैं। टाम कटी मोट डेंगी, ये थाईलैंड एक जगह है, वहाँ पे लाल चीटियाँ होती हैं, उसके अंडे होते हैं एग, उनसे कुछ बनाकर खाते हैं, ठीक है। सेंचुरी एग, चाइना वाले तो कुछ भी खाते हैं, तो चाइना वाले कुछ एग्स होते हैं ना चीट पता नहीं किस चीज़ के, उनको बड़ा संभाल के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर उसको खाते हैं और उसको सेंचुरी एग कहते हैं। इसराइल एक जगह है, वहाँ के लोग जो टिड्डी होती है टिड्डी उसको खाते हैं, आपने टिड्डी देखी ग्रास ओपर जिसे हम कहते हैं, उसी टाइप का एक ग्रास ओपर होता है पर्टिकुलर टिड्डी जिसको कि लॉक्सटस कहते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। मैक्सिको में एक ग्रासोपर को खाते हैं जिसको कि चेपुलिन कहते हैं। सन्नक जी, एक कोरिया का ऑक्टोपस होता है, एक गंदा सा जानवर होता है ऑक्टोपस, कभी देखना नेट पे जाके कितना गंदा दिखता है, वहाँ के लोग वो खाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंबोडिया एक जगह है, वहाँ पर एक मकड़ी खाते हैं जिसको कि टेरेंटुलस कहते हैं। कैसे खाते हैं भाई पता नहीं, मकड़ी तो कितनी गंदी दिखती है देखने पर, उसे भी खाते हैं, एक मकड़ी का एक टाइप होता है वहाँ के लोग उसे खाते हैं। तो ये कुछ अनयूजुअल फूड हैं जिनके बारे में हमने तो कभी सुना भी नहीं है और आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, तो
खाने दो अपने को क्या, अपन तो बैलेंस डाइट खाते हैं, है ना। और आपको पता है इंडिया में एक ट्राइब है, ट्राइब मतलब जानते हो क्या होता है, जो जंगलों में रहती है ना, जो जातियाँ ऐसे लोग रहते हैं, बहुत जंगली टाइप के लोग होते हैं, उनको ट्राइब कहते हैं। वहाँ के लोग पता है क्या करते हैं, जो लाल चींटियाँ होती ना उनको जिंदा पीस के उनकी चटनी बना लेते हैं, फिर उसको खाते हैं। वाई जी 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 राम 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 राम। तो ऐसे अपन ने देखा कितना अलग अलग टाइप का खाना होता है। तो कुछ अनयूजुअल फूड्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक बार जोर जोर से रीडिंग कर लेना सब बच्चे घर पे बैठ के, और कुछ समझ ना आए तो यू कैन कॉल मी, ठीक है। तो हैव अ वेरी ग्रेट डे और हैव फन, रीड स्टडी। हम कल मिलते हैं, बाय बाय।